और एनसीएलटी में गई बिनानी सीमेंट को लेकर विवाद और गहरा गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बिनानी इंडस्ट्रीज के साथ एक करार किया जिसके तहत कंपनी बिनानी सीमेंट में 98.4% हिस्सा खरीदेगी और बिनानी का पूरा कर्ज भी चुकाएगी। दरअसल बिनानी के डालमिया और अल्ट्राटेक दोनों कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन बिनानी के क्रेडिटर्स ने डालमिया की बोली को मंजूर किया और अल्ट्राटेक की बोली को ठुकरा दिया। अब अल्ट्राटेक ने बिनानी के लिए अलग से करार करने की कोशिश की है और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। सुमित, देखिए पूरा मामला कुछ इस तरह से कि एक तरफ बिनानी सीमेंट, जिसके लिए अल्ट्राटेक और डालमिया भारत दोनों ने ही बोली लगाई है और उस बोली को क्रेडिटर्स ने मंजूर किया है डालमिया भारत के पक्ष में, तो एक तरफ तो डालमिया भारत ने ये बोली जीती है। लेकिन जब कंप्लेंट की गई अल्ट्राटेक की तरफ से कि उनकी बोली भी सही थी, उसको भी कंसीडर किया जाए, तो रीथिंक हो रही है ये बोली और इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला है वो 22 तारीख को आएगा। अब दूसरी तरफ से जब बिनानी इंडस्ट्रीज जो कि बिनानी सीमेंट के प्रमोटर हैं उनके साथ अल्ट्राटेक ने करार किया है, जिस करार के तहत वो 98% हिस्सा खरीद सकते हैं बिनानी सीमेंट में और उसके बदले 7266 करोड़ रुपए देने की बात भी उन्होंने कही है। तो कितना सही है कि जो कंपनी ऑलरेडी एनसीएलटी में है, जिसके ऊपर ऑलरेडी अभी कंपनियों की बोलियाँ मिल रही हैं, अभी ऑलरेडी रिजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए कोई भी बोली दूसरे तरफ से आती है या फिर बैकडोर एंट्री मारती है और खरीदारी का एक ऑफर पेश कर देती है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ज़रूर एक पहला केस ऐसा होगा, इसके बाद कई ऐसे केस क्योंकि एनसीएलटी के अंदर शामिल है, हो सकता है उनको लेकर भी कुछ एक ऐसे फैसले आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, ये अगर ऐसा कुछ भी कदम उठाया जाता है, कुछ भी फैसला आता है, तो एक प्रेसिडेंट के तौर पर काम काज जरूर करता हुआ दिखाई पड़ेगा।